हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम हिस्ट्री से 150+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और ये पार्ट 13 है। तो इससे पहले मैं इस टाइप का 12 लेक्चर कवर कर चुका हूँ, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। मैं प्ले लिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन मैं इसके अलावा और भी वेरियस टॉपिक पे एमसीक्यू में टॉपिक वाइज कवर किया हूँ, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री से 199 पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज पास्ड। भारत का वायसराय कौन था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित किया गया था? तो आंसर इज लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन उस टाइम भारत का वायसराय था, तो इसी के समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित किया गया था। नेक्स्ट, नेम द गवर्नर जनरल हु एक्सेप्टेड द व्यू ऑफ मैकॉली टू मेक इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए मैकॉले के विचार को एक्सेप्ट किया था। तो आंसर इज विलियम बेंटिक। ये विलियम बेंटिक था जो इंग्लिश को एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाने के लिए मैकॉले के विचार को एक्सेप्ट किया था। तो आंसर इज विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, विच गवर्नर जनरल्स टर्म इज कंसिडर्ड फॉर एजुकेशन रिफॉर्म्स। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधार के लिए जाना जाता है? तो आंसर इज विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक का टेन्योर एजुकेशन रिफॉर्म के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर इज विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ये पहला गवर्नर जनरल था। तो 1833 1833 में चार्टर एक्ट पारित किया गया था, तो इसी चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो यही गवर्नर जनरल था बंगाल का उस टाइम, तो ये लास्ट बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है और चार्टर एक्ट 1833 के तहत ये पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है ब्रिटिश इंडिया का। तो आंसर इज विलियम बेंटिक। और यहीं से आपसे पूछेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। तो इससे पहले मैं वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक में 1862 तक जो पीरियड है वहाँ तक जो वाइस राय या गवर्नर जनरल है, तो मैं 1862 तक कवर कर चुका हूँ, तो आप उन लेक्चर को देख सकते हैं। मैं प्ले लिस्ट का लिंक आई बटन पे दे दूंगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करने से पहले बताना चाहता हूँ कि मैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पे ई बुक तैयार किया हूँ, जैसा कि देख सकते हैं ये कवर पेज है। तो इसमें मैं टॉपिक वाइज 1100+ एमसीक्यू क्वेश्चन कवर किया हूँ। इस पे मैं एक डेमो मैं रिव्यू भी कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को और देन इसके बाद परचेस कर सकते हैं। ऐसे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, अंडर विच गवर्नर जनरल डिड राजा राम मोहन रॉय इनिशिएट टू बैन सती। राजा राम मोहन रॉय ने किस गवर्नर जनरल के अधीन सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की पहल की थी? तो आंसर इज विलियम बैटी। ये विलियम बैटी के समय में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए थे। तो 1829 में जानी रहेंगे सती प्रोविजन एक्ट, सती निषेध अधिनियम पारित किया गया था। तो इस एक्ट को पारित कराने में मेन कंट्रीब्यूशन राजा राम मोहन रॉय जी का था। तो आंसर इज विलियम बैटिक। नेक्स्ट है, हु एस्टैब्लिश कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो आंसर इज विलियम बैटिक। विलियम बैटिक के द्वारा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया था। और ये मेडिकल कॉलेज पूरे भारत का पहला मेडिकल कॉलेज था, तो इसलिए पूछे जाते हैं क्वेश्चन पूरे भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ पे स्थापित किया गया था या कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये आपको कलकत्ता में देखने को मिलेगा और स्थापना विलियम बेंटिक के द्वारा 1835 में, तो ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1835 में किया गया था। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इन ब्रिटिश इंडिया। भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर इज कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। तो ऐसे प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विस का नींव तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा रखा गया था, बट इसमें रिफॉर्म चेंज बदलाव कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, तो इसलिए इसे फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या फादर ऑफ सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता है कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट, हुआ द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये 4th सेंचुरी BC में मौर्य एम्पायर की स्थापना किए हुए थे। तो जो नंद एम्पायर का लास्ट रूलर था धनानंद, तो ये उसे हत्या करके मौर्य एम्पायर की स्थापना किए थे मगध में। तो मगध में पहले नंद डायनेस्टी का शासन था, बट नंद डायनेस्टी से यह सत्ता छीनकर मौर्य एम्पायर की नींव रखे थे। नेक्स्ट, हु हेल्प्ड चंद्रगुप्त मौर्य टू एस्टैब्लिश द मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? तो आंसर इज चाणक्य। चाणक्य ये मौर्य एम्पायर की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किए हुए थे। तो आंसर इज चाणक्य।
नेक्स्ट है भाई, व्हाट अनदर नेम वाज चाणक्य नोन, चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर इज कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो इन्हें कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, तो ये इनके दो निकनेम हैं, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, इन्हीं को कहा जाता था। नेक्स्ट है, विच फेमस बुक वाज कंपोज बाय चाणक्य, चाणक्य ने किस फेमस पुस्तक की रचना की थी? तो आंसर इज अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र इन्हीं के द्वारा कंपोज किया गया था, तो आंसर इज अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर, मौर्य एम्पायर की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर इज पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र ये मौर्य एम्पायर की कैपिटल थी। और ऐसे पाटलिपुत्र की स्थापना ओरिजिनली उदयन के द्वारा किया गया था, उदयन जो अजात शत्रु के पुत्र थे, तो उन्हीं के द्वारा ओरिजिनली पाटलिपुत्र की स्थापना किया गया था, जो आगे चलकर कई एम्पायर की कई डायनेस्टी का कैपिटल रहता है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, हु बिल्ड सुदर्शन लेक इन जूनागढ़, जूनागढ़ में सुदर्शन लेक का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ये जूनागढ़ में सुदर्शन लेक का निर्माण करवाए थे। तो इन्हीं के आदेश पे इन्हीं के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा इस लेक का निर्माण करवाया गया था। जूनागढ़ प्रेजेंट ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, विच रिलीजियन डिड चंद्रगुप्त मौर्य एम्बेरेस इन द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में कौन सा धर्म ग्रहण किया था? तो आंसर इज जैन, ये अपने अंतिम चरण में जैन धर्म को अपना लिए थे। नेक्स्ट है, हु वाज द जैन गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु कौन थे? तो आंसर इज आचार्य भद्रबाहु, भद्रबाहु ये चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु थे। नेक्स्ट है, हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत कौन आया था? तो आंसर इज मेगास्तनीज, मेगास्तनीज ये भारत आया था, तो आंसर इज मेगास्तनीज। नेक्स्ट है, विच बुक वाज रिटन बाय मेगास्तनीज, मेगास्तनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो आंसर इज इंडिका, इंडिका ये मेगास्तनीज के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, हु स्टार्टेड द शाखा एरा, शाखा एरा की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर इज कनिष्क, कनिष्क द ग्रेट के द्वारा शख या शाखा एरा की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है, वेयर वाज महात्मा बुद्ध बोर्न, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर इज लुम्बिनी, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, लुम्बिनी ये प्रेजेंट नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है, वेन वाज महात्मा बुद्ध बोर्न, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आंसर इज 563 BC, 563 BC में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो आंसर इज सिद्धार्थ, सिद्धार्थ ये इनके बचपन का नाम था। नेक्स्ट है, एट व्हाट एज डिड गौतम बुद्धा अटेन इनलाइटनमेंट, गौतम बुद्ध को किस उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आंसर इज 35 ईयर्स, इनको 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 35 वर्ष की उम्र में इनको बोधगया में, बोधगया जो प्रचंड बिहार में स्थित है, तो इनको बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजन नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये 29 ईयर्स 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए हुए थे, तो ये भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच प्लेस इन इंडिया डिड द रिबेलियन ऑफ 1857 स्टार्टेड, 1857 का विद्रोह भारत में किस स्थान से आरंभ हुआ था? तो आंसर इज मेरठ, तो 1857 का रिवोल्ट यह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर इज स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875-1875 में किया गया था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का वास्तविक नाम क्या था? तो आंसर इज मूल शंकर, मूल शंकर ये इनका वास्तविक नाम था। नेक्स्ट है, रिटर्न टू द वेदाज हुज स्टेटमेंट इज दिस, वेदों की ओर लौटो ये कथन किसका है? तो आंसर इज स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ये कथन है रिटर्न टू द वेदाज। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? आंसर इज राजा सुल्तान, राजा सुल्तान ये दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। नेक्स्ट है, हुज डॉटर वाज राजा सुल्तान, राजा सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो आंसर इज शमशुद्दीन इल्तुतमिश, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो राजा सुल्तान पूछ लिए जाते हैं ये कब बनी थी दिल्ली सल्तनत की सुल्तान, तो ये 1236 में बनी थी, 1236 में ये दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका बनी थी। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द स्लेब डायनेस्टी, स्लेब वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर इज
कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सलेब डायनेस्टी की स्थापना की गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये कौन था? तो ये सलेब था मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान जी के साथ में लड़ा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये उसी का सलेब था। इसी के द्वारा सलेब डायनेस्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है व्हेन वाज द सलेब डायनेस्टी इस्टाब्लिश, सलेब वंश की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर इज 1206 एडी, 1206 एडी में सलेब वंश की स्थापना हुई थी और 1206 में ही कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही दिल्ली सल्तनत का भी नींव रखा गया था। फिर आगे चल के दिल्ली सल्तनत में ही जानी रहेंगे 5 डायनेस्टी रूल किए थे, तो सलेब यह पहला डायनेस्टी था। नेक्स्ट है व्हाट वाज द ओरिजन ऑफ द सलेब डायनेस्टी रूलर्स, सलेब वंश के शासकों की उत्पत्ति क्या थी? तो आंसर इज तुर्क्स। तो सलेब डायनेस्टी के जो रूलर थे वे सारे तुर्क थे, उनका ओरिजन तुर्क था। नेक्स्ट है हु बिल्ट कुतुब मीनार इन दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली में किसने निर्माण करवाया था? तो बेसिकली यहाँ पर आपको बताना है किसके द्वारा निर्माण शुरू करवाया गया था। तो आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण शुरू करवाया गया था, लेकिन निर्माण करते ही फिर इसका मृत्यु हो जाता तो बाद में फिर इल्तुतमिश इसे पूरा करवाएगा। तो न्यू कंस्ट्रक्शन का नींव रखा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किसके मेमोरी में? तो ये एक सूफी संत थे बख्तियार, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो उनके मेमोरी में ये कुतुब मीनार की नींव रखवाया था, लेकिन नींव रखते ही इसका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है हु कम्प्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली, दिल्ली में कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को किसने पूर्ण करवाया था? तो आंसर इज इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ये दिल्ली में कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को पूर्ण करवाया था। तो जो कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट था इसे कम्प्लीट इल्तुतमिश करवाया था। नेक्स्ट है विच रूलर्स इशूड कॉपर क्वाइंस नेम्ड एज जित्तल, किस शासक ने जित्तल के नाम से कॉपर के सिक्के जारी करवाया था? तो आंसर इज इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ये जित्तल के नाम से कॉपर के सिक्के को इशू करवाया था। तो इसके द्वारा दो सिक्के जारी किए गए थे, एक कॉपर और दूसरा सिल्वर। तो कॉपर क्वाइन इसे जित्तल कहा जाता था और दूसरा जो सिल्वर क्वाइन था उसे टंका कहा जाता था। तो ये भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हु इज कॉल्ड द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता किसे कहा जाता है? तो आंसर इज नंद डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी को फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट हु वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर इज महापद्मनंद, महापद्मनंद ये नंद डायनेस्टी के फाउंडर थे। तो आंसर इज महापद्मनंद। नेक्स्ट विच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर द एंड ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी के एंड के बाद मगध पर किस वंश का शासन था? तो आंसर इज नंद। तो शिशुनाग डायनेस्टी के एंड के बाद मगध पर नंद डायनेस्टी का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय किंग ऑफ मगध, मगध के पहले गैर क्षत्रिय राजा कौन थे? तो आंसर इज महापद्मनंदा, महापद्मनंदा ये मगध के पहले नॉन क्षत्रिय किंग थे। नेक्स्ट विच किंग ऑफ मगध वाज कॉल्ड द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिय, मगध के किस राजा को डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिय के नाम से जाना जाता था? तो आंसर इज महापद्मनंद, महापद्मनंद को डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिय के नाम से जाना जाता था। तो ये मगध के किंग थे, बेसिकली ये मगध में नंद डायनेस्टी के किंग थे, तो इनको डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिय के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है विच रूलर ऑफ मगध वाज नोन एज सेकेंड परशुराम, मगध के किस राजा को सेकेंड परशुराम के नाम से जाना जाता था? तो आंसर इज महापद्मनंद, महापद्मनंद को सेकेंड परशुराम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी, नंद वंश के अंतिम राजा कौन थे? तो आंसर इज धनानंद, धनानंद ये नंद डायनेस्टी के लास्ट किंग थे। नेक्स्ट विच रूलर ऑफ मगध वाज कंटेम्प्रोरी ऑफ अलेक्जेंडर, मगध के कौन से राजा अलेक्जेंडर के समकालीन थे? तो आंसर इज धनानंद, धनानंद ये अलेक्जेंडर के समकालीन थे। नेक्स्ट है द फेमस बैटल ऑफ हाइड्रास्पेस वाज फाउट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड विच इंडियन रूलर, फेमस बैटल ऑफ हाइड्रास्पेस किस भारतीय राजा और अलेक्जेंडर के बीच में हुआ था? तो आंसर इज किंग पोरस, अलेक्जेंडर और किंग पोरस के बीच में फेमस बैटल ऑफ हाइड्रास्पेस हुआ था। और ये बैटल कब हुआ था? तो 326 BC, तो ये ईयर भी पूछे जाते हैं, 326 BC में फेमस बैटल ऑफ हाइड्रास्पेस हुआ था किसके बीच में? तो किंग पोरस और अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है बैटल ऑफ हाइड्रास्पेस वाज फाउट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, फेमस बैटल ऑफ हाइड्रास्पेस किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो आंसर इज झेलम, झेलम नदी के तट पर बैटल ऑफ हाइड्रास्पेस लड़ा गया था। नेक्स्ट है वेयर अलेक्जेंडर डाइड, अलेक्जेंडर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आंसर इज बेबीलोन, बेबीलोन ये प्रेजेंट इराक में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई थी 323 BC में। नेक्स्ट है टू विच डायनेस्टी ड्यूर द रूलर ऑफ गौतमीपुत्र सत्कर्णी बिलोंग, गौतमीपुत्र सत्कर्णी
किस डायनेस्टी से संबंधित है? तो आंसर इज सतवाहना, ये सतवाहना एम्पायर से संबंधित है, तो आंसर इज सतवाहना। और गौतमीपुत्र सतकर्णी ये सतवाहना एम्पायर के सबसे ग्रेटेस्ट सबसे महान राजा में से एक थे। नेक्स्ट है, हु आर द फाउंडर ऑफ द सतवाहना एम्पायर, सतवाहना एम्पायर के संस्थापक कौन थे? तो आंसर इज सिमुक, सिमुक ये सतवाहना एम्पायर के फाउंडर थे। नेक्स्ट है, हु आर द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सतवाहना एम्पायर, सतवाहना एम्पायर के सबसे महान राजा कौन थे? तो आंसर इज गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी ये सबसे महान राजा थे सतवाहना एम्पायर के। तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री से 150+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। यदि इंपॉर्टेंट रहा तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस वीडियो को भी लाइक कॉमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।